Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th, The Little Girl by Catherine Mansfield. Chapter 3. In this chapter, we will discuss the introduction and summary of the story. So let us start with the introduction to The Little Girl. The title of the story refers to the main character that we will come across, the little girl named KGM. इस स्टोरी का जो टाइटल है द लिटिल गर्ल, वो केजिया नाम की एक लिटिल गर्ल को रेफर करता है, और ये केजिया जो एक लिटिल गर्ल है वही इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर भी है. द थीम ऑफ द स्टोरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स. इस स्टोरी का जो थीम है वो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन के बीच का जो एक बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, उसी को ये एक्सप्रेस करता है. एंड द राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड वांट्स टू टेल अस, और ये राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड कहना चाहती हैं दैट चिल्ड्रेन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स. जो चिल्ड्रेन हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव वो शेयर करते हैं. सभी बच्चे करते हैं, लेकिन कभी कभी जब बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. ऑल्दो व्हेन चिल्ड्रेन आर स्मॉल, हालांकि जब बच्चे छोटे होते हैं, व्हेन दे आर यंग दे डू नॉट फील, और जब वो काफ़ी छोटे होते हैं, जब वो उनमें उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है, तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है. व्हेन दे आर यंग दे डू नॉट फील दैट देयर पेरेंट्स लव देम बिकॉज देयर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड मैनी एक्शंस ऑफ द पेरेंट्स सीम्स अनजस्टिफाइड. तो कभी कभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा डांटना ही पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है. तो बच्चे जब बहुत ही छोटे होते हैं तो उस डांट और उस स्ट्रिक्टनेस को थोड़ा अदरवाइज लेते हैं, और उन्हें लगता है कि देयर पेरेंट्स आर नॉट गुड, और ये अनजस्टिफाइड उनको लगता है. बट एज चिल्ड्रेन ग्रो अप, लेकिन जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, तब उन्हें समझ में आता है, दे रियलाइज दैट ऑल द एक्ट्स डन बाय देयर पेरेंट्स वेयर बेनिफिशियल फॉर देम. जो कुछ भी स्ट्रिक्टनेस उनके पेरेंट्स ने दिखाई होती है वो सब उनके ही बेनिफिट के लिए होता है, उनके ही फायदे के लिए होता है, उनके ही भले के लिए होता है. क्योंकि द चीफ कंसर्न ऑफ ए पेरेंट इज वेल बींग ऑफ देयर चिल्ड्रेन, ये सबके साथ होता है. द पेरेंट्स वेयर कंसर्न फॉर देम एंड बीनीथ द स्ट्रिक्टनेस लाइज ए हार्ट फुल ऑफ लव फॉर द चिल्ड्रेन. और पेरेंट्स के उस स्ट्रिक्टनेस के पीछे एक हार्ट छुपा होता है, बीटिंग हार्ट है जो फुल ऑफ लव एंड केयर है. और पेरेंट्स दे आर वेरी मच कंसर्न्ड फॉर द वेल बींग ऑफ देयर चिल्ड्रन. एंड दिस बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन हैज़ बीन हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टोरी. और इस स्टोरी में पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो ये रिलेशन है, जो बेस बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर, इसी को वो एक्सप्रेस किया गया है. नाउ द समरी ऑफ द लिटिल गर्ल. द लिटिल गर्ल इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल केजिया. द लिटिल गर्ल स्टोरी एक लिटिल गर्ल केजिया की कहानी है, हु मिसअंडरस्टूड हर फादर्स स्ट्रिक्टनेस, जो अपने फादर के स्ट्रिक्टनेस को मिसअंडरस्टूड करती है, एंड यूजुअली रिमेन्ड स्केयर्ड ऑफ हिम, और उनसे थोड़ी डरी सहमी भी रहती है.
सी केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम, उनसे थोड़ी डिस्टेंस बनाए रखती है, वो बहुत ही मिक्सड अप नहीं है अपने फादर के साथ, बहुत फ्रेंडली नहीं है। वेन एवर ही वुड बी एट होम, जब भी वो घर पे होते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करती है उनके साथ, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। सी कंसिडर्ड हिम टू बी एज बिग एज ए जायंट, एकदम जायंट की तरह उनको वो ट्रीट करती है, महसूस करती है, उसको लगता है कि उसके फादर बिल्कुल जायंट हैं जो उसके साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो सकते। सी वुड ऑफन गेट नर्वस एंड स्टटर वाइल टॉकिंग टू हिम, और उनसे बात करते समय भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करती और वो हमेशा ही नर्वसनेस दिखता है उसके बिहेवियर में। सी लॉन्ग फॉर हिज लव एंड अफेक्शन लाइक हर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड, लेकिन उसके पड़ोस के एक जो फादर हैं मैकडोनाल्ड, वो अपने बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी करीब हैं, एक फ्रेंड के तरह वो ट्रीट करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उसे भी लगता है कि काश हमारे फादर भी मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह काफ़ी फ्रेंडली होते। वंस शी वॉज केप्ट इनडोर्स एज शी वॉज अफेक्टेड बाई कोल्ड, एक बार की बात है वो उसे सर्दी होता है, कोल्ड हुआ रहता है, तो उसे घर पे ही रख दिया जाता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आपकी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड दैट सी मेक अ गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे नेक्स्ट वीक, तो उसके ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट करती हैं कि नेक्स्ट वीक अपने फादर के बर्थडे पे वो एक गिफ्ट तैयार करे। दे डिसाइडेड दैट केजिया वुड मेक ए पिन कुशन फॉर हिम, और वो डिसाइड करते हैं कि केजिया को अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। केजिया मेड ए ब्यूटिफुल पिन कुशन, बहुत ही खूबसूरत पिन कुशन बनाती भी है, बट सी एक्सीडेंटली मेड अ मिस्टेक, लेकिन उससे कुछ गलती हो जाती है। सी फील्ड इट विथ बीट्स ऑफ पेपर दैट सी गॉट बाई टियरिंग हर फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच, लेकिन जो पेपर वो फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके और पिन कुशन में भरती है, वो एक्चुअली उसके फादर का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो एक स्पीच तैयार किए हुए होते हैं। सी वॉज पनिश्ड फॉर दैट, उसके इस मिस्टेक के लिए उसे पनिशमेंट भी मिलता है। दिस इंसिडेंट फर्दर एस्ट्रेंज्ड केजिया फ्रॉम हर फादर, और इस घटना के बाद केजिया को अपने फादर से थोड़ा सा और भी दूर कर देता है, उसके फादर और भी थोड़े बुरे लगने लगते हैं उसको। सी वुड ऑफन लुक एट द नेबर्स, वो हमेशा अपने नेबर्स की तरफ देखती है, द मैकडोनाल्ड्स प्लेइंग जॉयसली इन दियर लाउन, मैकडोनाल्ड्स और उनके बच्चों को देखती है वो कितना कंफर्टेबल होके और कितनी फ्रेंडली वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज सच ए गुड फादर, कितने अच्छे वो फादर हैं, एंड प्लेड सो लविंगली विद हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ कितने प्यार से खेलते हैं। सी वंडर्ड ही माइट बी अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, और उसको लगता है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड एक अलग तरह के फादर हैं। वंस हर मदर फेल ईल एंड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, एक बार की बात है उसकी मदर बीमार होती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। सी वॉज लेफ्ट ए लोन एट होम अंडर द केयर ऑफ द कुक, और उसको घर पे ही रख दिया जाता है एक कुक के सुपरविजन में, कुक ही उसका केयर टेकर है घर पे। एट नाइट सी हैड ए नाइटमेयर, रात में उसे डरावना सपना आता है, एंड वुक अप स्क्रीमिंग, वो डर के जग जाती है चिल्लाते हुए। सी फाउंड हर फादर स्टैंडिंग बाई हर बेड साइड, लेकिन अपने फादर को अपने बेड साइड के पास ही खड़ी पाती है। ही पिक्ड हर अप, वो उसे पकड़ लेते हैं, एंड टूक हर टू हर रूम, अपने और उसके रूम में ले जाते हैं। ही टक्ड हर अप इन हिज बेड,
एंड सून फेल एस्लीप, और उसे बेड पे बहुत ही प्यार से सहला के सुला देते हैं। केजिया फेल्ड सिक्योर लाइंग नियर हर फादर, और अपने फादर के साथ अपने फादर को करीब पाके वो काफ़ी सिक्योर महसूस करती है, काफ़ी सुरक्षित महसूस करती है। सी रियलाइज्ड, वो महसूस करती है दैट हर फादर वाज नॉट ए बिग एज ए जायंट, उसके फादर जायंट की तरह इतने बड़े नहीं हैं। सी फेल्ट द बीटिंग ऑफ हर फादर्स लविंग लार्ज हार्ट, अपने फादर के लविंग और लार्ज हार्ट के धड़कन को भी वो सुन सकती है। फाइनली सी रियलाइज्ड हर फादर वाज वेरी लविंग एंड हैड ए जेनरस हार्ट, और फाइनली उसे महसूस होता है कि उसके फादर बुरे नहीं हैं जैसा कि वो पहले सोचती थी, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और ही वाज वेरी लविंग एंड हैड ए जेनरस हार्ट, बहुत ही अच्छा हार्ट है उनके अंदर, फुल ऑफ लव एंड केयर है।